नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले फीमेल हेल्थ वर्कर का जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इसमें जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने से पहले आपको मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करनी पड़ती है। आपका जो बता दें जनरल OBC की 200 रुपये, SC ST की जो है आपको 80 रुपये। देख सकते हैं लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट की मदद से, इसमें लिखा हुआ है मेन एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट। जब तक आप उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होगा। आपने लिख के आएगा एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के लिए आप फीस को जो डिपॉजिट कीजिए। तो दोस्तों, फीस डिपॉजिट के लिए हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, जेंडर सेट कर दिया है, अपना डोमिसाइल सेट कर दिया, अपनी कैटेगरी डाल दी। यहाँ पर जो कैप्चा है उस कैप्चा को डाल देते हैं। देख सकते हैं जो कैप्चा एज इट इज आपको डालना है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद ग्रीन कलर में जो प्रोसीड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, नंबर डालते हो, प्रोसीड करके आगे बढ़ते। और साथ ही साथ जो चीज़ मैं आपको मार्केट की मदद से दिखा रहा हूँ, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आप उसको जाकर दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं हम OBC कैंडिडेट है, इसे यहाँ पे 200 रुपये फीस आ रही है। आपको उस पर SBI मॉप्स पे क्लिक करना है या प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आगे बढ़ना है। जैसे आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स खुल जाएगा, आपको सिंपली उस पर टिक करना और आगे बढ़ना है। इसका पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जैसे पेमेंट हो जाएगा देख सकते हैं इस तरीके की एक रसीद आ जाएगी, जो कि आपको उसका एक प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, हो सकता हो आगे कभी आपको उसकी जरूरत पड़े। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखता हूँ कि एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। तो क्योंकि पेमेंट करने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, तो यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। दोस्तों पूरा नहीं डाला है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आधा ही डाला है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, अपना जेंडर डाल दिया है, और यहाँ पे जो है जो कैप्चा है उस कैप्चा को डाल दिया है मैंने, कैंडिडेट का जेंडर है। और कैप्चा को डालने के बाद यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैंने डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक किया, अब अभी तक हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था और यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। एडमिट कार्ड में आप रोल नंबर देख सकते हैं, QR कोड देख सकते हैं, फोटो है, आपका सेंटर जो है कहाँ गया है, किस शहर में गया है, सेंटर का कोड और सेंटर का नाम क्या है, सेंटर का एड्रेस क्या है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको जूम में प्रिंट आउट लेंगे तो बता दूँ ये जो है आपका 4 पेज का एडमिट कार्ड निकलेगा, नहीं तो अगर आप इसको छोटा करके लेंगे तो 2 से 3 पेज में आ जाएगा। लेकिन आप इसका प्रिंट आउट बड़ा बड़ा लीजिए ताकि आपको परीक्षा के जो सेंटर है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दिक्कत ना हो। तो कुल जो है 25 तरीके के एग्जाम के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसको कि आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उसको डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है। धन्यवाद, नमस्कार।